Chhoda. And what does that mean? Wow. Does it mean kidnap? I have no clue about Aarakshan. It'll be a movie starring Prakash Ji and Ajay Devgan. I instantly connected with it. I'm just like, wow. जब भी आप समाज में किसी ऐसी चीज़ को लाते हैं जिसका आधार जो है वो जातिगत होता है, एक लाजमी है कि इसके बारे में जो है वो कई तरह के दृष्टिकोण, कई तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज आएंगे। ये एक इशू बेस्ड फिल्म है और ये किसी एक पक्ष के लिए बात नहीं कर रही है, ये पूरे समाज को, पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ले करके उसके बारे में अलग अलग अपनी धारणाएँ जो हैं वो सामने रख रही है और फिर जनता के ऊपर छोड़ती है कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। Everybody experiences it at some point in their life. When I finished school and was going into college, I have experienced it myself. मंडल कमीशन के प्रति जनता का जो रिएक्शन था हम सब ने देखा और काफ़ी देश में खलबली मची हुई थी, ये वाद विवाद चल रहा था, तो हमने सोचा कि अगर ये ले लें कि वॉट इफ द सेंट्रल कैरेक्टर जो प्रिंसिपल है प्राध्यापक, तो प्राध्यापक साहब जो है अगर वो इस इशू पे स्टैंड ले लेते हैं तो उसको लेके ड्रामा बन जाता है, बिकॉज सडनली ये कॉन्फ्रंटेशन हो जाता है सारे शहर और उनके बीच में। कहानी उन पात्रों की है जो इसमें इन्वॉल्व है, कहानी उन पात्रों की नहीं है जो कठपुतली की डोर जिनके हाथ में है, ये कठपुतलियों की कहानी है। Preparing those lines was hard work because they're not lines you normally say. And then you're working with people who speak the language very well, which funnily enough is what my mother told me. She said, you better learn your lines and work hard because it'll be tough, the Hindi, and there'll be a lot of very good actors there. So I said, yeah, I've been doing this for a long time now, Mom. But then when I got to Bhopal, I saw the script, I said, mummies, no. आप इस तरह से बात नहीं करेंगे मेरे साथ। जैसे कहानी सामने आई थी वैसे ही उभर के आ गया कि ये किरदार जो है अगर बच्चन साहब करें तभी ये सफल होगा। प्रभाकर आनंद जी का कैरेक्टर है वो बड़े सिद्धांतवादी हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान में विश्वास करते हैं और शिक्षा उनके जीवन का मकसद है। उनका रूप जो है वो शालीन और फिर उनकी अपनी पर्सनैलिटी, उनका अपना प्रेजेंस, उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज, सबके ऊपर में उन्होंने बड़े करीने से काम किया और हमारे प्रभाकर आनंद जो है वो मेरी कल्पना से भी बेहतर निकल कर के आए। फ्रॉम द फर्स्ट शॉट वी टू ही वाज नॉट अमिताभ बच्चन, ही वाज प्रभाकर आनंद। हिज काउंटेनेंस एंड हिज स्टाइल एंड हिज एवरीथिंग एज एंड व्हेन ही वाज मीटिंग प्रकाश जी, ही वाज जस्ट गेटिंग इंस्पायर्ड बाय हिज लुक एंड ही ऑलवेज ही केप्ट सेइंग दैट आई वांट टू हैव हेयर लाइक हिम, द वे ही हैज, आई वांट टू हैव अ बियर्ड लाइक हिम। ही इज द कूलेस्ट एक्टर आई हैव एवर वर्क विद। इसीलिए मैं अपनी शक्ल जो है इनके साथ मिला रहा हूँ, ये उतना ही कूल है। परिवर्तित करने जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा आपके स्टाइल से। कौन सी दूर बांधे दाढ़ी बाढ़ी खींच गए प्रकाश झा की रूह जो है वो मेरे अंदर घुस गई धीरे धीरे। इट्स हार्ड टू फॉरगेट who you're standing in front of. See, it's not very professional to be in awe of somebody. You cannot start saying, oh my God, and forget your lines. But to forget Sholay and Deewar and Mukaddar Ka Sikandar, and the list is endless. And I would be like, oh my God, you know. It's him. I remember we were waiting for him to land up on the sets the first day. I went to Prakash Ji and I told him ki, if I faint when he comes, please handle me. Half of India dreams of meeting him, seeing him, if they're lucky touching him. You know, there we were standing and shooting with him and hugging him every morning and being with him on the sets and interacting with him like he was a commoner. He made me feel really comfortable and he got along with everyone. He'd make everyone laugh even if we're doing a serious scene. Aise ho mere lal, acche ho na, geele ho tum. आज भी उनकी भूख इतनी है कि मुझे लगता है कि शायद कोई पहली बार फिल्म में उत्साह के साथ काम करने वाला कोई 17 साल 18 साल 20 साल का जो एक्टर आए वही भूख उनमें दिखती है।
कई बार मुझे लगता था कि लंबा समय हो गया, थक गए होंगे। मैं जाकर के धीरे से उनसे पूछता भी था, नहीं नहीं ठीक चलिए जो करना है खत्म करो। अमित जी हमारे साथ खड़े थे, जैसे ही उन पे जरा सी छांव आती थी छाते की, वो हट जाते थे वहां से। सो आई ऑलवेज वंडर्ड कि भाई इतना क्या है, जब हम सब लोग हैं तो इट मस्ट बी हॉट फॉर यू ऑल्सो, तो आप क्यों नहीं हमारे साथ खड़े रहते। चीज़ नहीं, मैं इन चीज़ों की आदत नहीं डालना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप आरक्षण के साथ नहीं हैं तो आप इसके खिलाफ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि दलित कैरेक्टर या बैकवर्ड कैरेक्टर ऐसे दिखने चाहिए, वैसे कैरेक्टर को मैं कास्ट करूँ। मैं चाहता था कि बिल्कुल इससे परे जो है वो स्टीरियोटाइप ना हो करके एक अलग तरीके से कैरेक्टर हो। सैफ को जब मैंने कहा कि तुमको एक दलित का रोल करना है, थोड़ा सा चौंका वो। आई डोंट थिंक यू कैन गेट एनी मोर डिफरेंट टू मी देन व्हाट दीपक कुमार इज समबडी फ्रॉम अ वेरी अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड। ही लिव्स इन अ चॉल एंड इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट स्टूडेंट व्हिच इज ऑल्सो वेरी फार फ्रॉम मी इन रियलिटी। And that to a maths genius. It helps if you find the right look, you know, the hair and makeup and mustache. It was a task. We really had like 3 look tests for Dev to just make sure that we hit the character properly, because he does look like a royal person and it's difficult to make him look like a Dalit. We tried to play around with the makeup as well and tried to tone down his shade of color so that it just make him look a little darker, so that it helps to just pull out the character a little better. Initially, it was very, very difficult to come to terms with Saif playing that part. Manoj Bajpai, who I'm very fond of, was laughing and saying that I'm having a tough time not laughing. Because you're saying that you clean my bathroom. People like me have torn his shoes and done all the work of the untouchables. आपके घरों की गंदी नालियों की सफाई की, यहाँ तक कि आपकी टट्टी भी सर पर धोई है हमने। हमें मेहनत सिखाई है आप। So he's looking at me and saying, really, like you've done my work. It's more like I've done your work. जरा पंख खोलो फिर उड़ान देखना, जरा मौका तो दो फिर आसमान देखना। Came up with this, why not use the word chance, you know, chanas, and it just sticks to your mind. So ek chanas to de de meri jaan, to meri jaan, tum meri jaan, tum phir udaan dekhna, ek chanas to de de meri jaan, tum meri jaan, tum phir udaan. Kabhi mereko shoot karte karte aisa laga hi nahi ki main pehli baar unke sath kaam kar raha hu. I love doing songs and I'm actually missing doing songs. I think a lot of the films we do these days, they try and avoid lip sync, try and do something new, but I think part of our cinema is definitely lip syncing and singing songs. So it was fun to do that. Action. तुम अमेरिका जा रहे हो? दीपिका पूरी तरह से अच्छी तरह से जमी थी मुझे इस कैरेक्टर के लिए, और मैं एक ही एक्टर के बारे में मैंने सोचा और उसको बुलाया, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसको अच्छा लगा वो कैरेक्टर, उसने किया। शी इज अ मॉडर्न डे थिंकिंग गर्ल, एजुकेटेड फ्रॉम अ मिडिल क्लास, हु अंडरस्टैंड्स द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिजर्वेशन, द पीपल हु बेनिफिट फ्रॉम इट एंड द पीपल हु डोंट बेनिफिट फ्रॉम इट। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? बाबा हर कमजोर बच्चे की मदद करते हैं। फॉर मी व्हाइल प्लेइंग द कैरेक्टर, आई थिंक व्हाट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू कीप इन माइंड एट ऑल टाइम्स वाज टू नॉट swing in any one direction. If I'm confronting my parents or if I'm confronting Deepak or Sushant, it is a point of view, but that doesn't necessarily mean that Purvi only feels that way. Pracharya ji ki beti ke roop mein aur Saif ki premika ke roop mein, dono hi roop mein bahut sahaj dikhti hai. Mujhe kabhi bhi feel nahi hota tha ki Deepika bahut taiyari karti hai. Mujhe hamesha lagta tha ki pata nahi taiyar hai ya nahi, but puri tarah se taiyar rehti thi, acche se kaam karke nikal jati.